हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों का बहुत बढ़िया चल रहा होगा। इसका पहले एक वीडियो में मैंने आप लोगों का साथ डिस्कस किया था कि प्रो राटा अलॉटमेंट का सम्स कैसे करना है, कैसे इसको एक चार्ट हमने डिस्कस किया था कि अप्लाइड अलॉटेड अलॉटमेंट और एक्सेस अमाउंट कितना है, मतलब एक चार्ट। आप लोगों ने अगर उस वीडियो को देखा नहीं है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा आप लोगों को, आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि उस वीडियो में हम लोगों ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट सम डिस्कस किया है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो टफ करने के बाद ईजी सम्स करना बहुत ईजी रहता है। तो आज हम लोग एक सम से तो पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ट होता नहीं है एक्चुअली में, तो देन ऑल्सो आज हम लोग ऐसा कुछ सम्स करेंगे ताकि हम लोग अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा बिल्ड कर सके, और दो सम्स करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। सो ये सम्स आपको क्वेश्चन कुछ देखने का जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन अभी स्क्रीन में आएगा, मैं ही क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग यहां से देख लो क्वेश्चन। इशूड कैपिटल ₹40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। अभी देख लेते हैं कैसे करके पैसा लेंगे ये लोग। एप्लीकेशन ₹3, अलॉटमेंट ₹4, फर्स्ट कॉल ₹3। चलिए तो पास जर्नल एंट्रीज, इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तब तो कोई इशू ही नहीं है, बढ़िया हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, फुल सब्सक्रिप्शन है, कुछ अप्लाइड एलोटेड का कुछ झमेला ही नहीं है। पर यहां में ट्विस्ट है, एप्लीकेशंस रिसीव्ड, applications were received, sorry, for 70,000 shares। देखिए यहां में आ गया ट्विस्ट, ट्विस्ट यही जगह पे आएगा। अगर ये लाइन ना दे तब तो बढ़िया आराम से सम निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम लोग सम इसमें भी आराम से निकालेंगे, बहुत आराम से सम करेंगे, टाइम लेके सम करेंगे। सबसे पहले नोट्स टू सम, नोट्स टू सम लिख लेते हैं। क्या है इशूड कैपिटल कितना है, 40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। फिर लिखते हैं इशू प्राइस ₹10। फिर लिखते हैं ये ₹10 ये लोग लेंगे कैसे। एप्लीकेशन ₹3, अलॉटमेंट ₹4, फर्स्ट कॉल ₹3, सब मिला के हो गया ₹10। चलिए अभी अपना असली बारी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सम में, ये प्रो राटा अलॉटमेंट का टाइम पे होता है। अप्लाइड अलॉटेड एप्लीकेशन लिखने से मतलब कुछ इशू नहीं है लिखने का, पर आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि मतलब क्या हुआ है इसमें। सो कितना था एप्लीकेशन, मिला कितना था हम लोग को, अप्लाइड कितना हुआ था 70,000। तो टोटल ये लिख लेते हैं सबसे पहले, ये मेरा बेसिक है। उसके बाद अलॉट कितना का होगा, मिलना कितना को चाहिए था, 40,000 को मिलेगा, इससे ज़्यादा तो किसी को मिलने वाला है नहीं, या हमें एक ही कैटेगरी है प्रो राटा अलॉटमेंट। तो 70,000 शेयर्स अप्लाई किया पर मिला सिर्फ 40,000 शेयर्स। सो अलॉटमेंट में तो कुछ पैसा ये लोग ज्यादा दे दिया, क्योंकि कुछ बोला नहीं है तो रिफंड नहीं हुआ है। अगर क्वेश्चन में अगर कुछ बोल दे मतलब कि ऐसा नहीं हुआ है, मतलब यहाँ में तो ये पैसा मतलब क्वेश्चन में रिटेन है, ये तो मैंने एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन खुद का हिसाब से बना दिया। क्वेश्चन में प्रॉपरली रिटेन है एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी वर्स एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट। अगर कुछ रिटेन नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आराम से हम लोग रिफंड कर देंगे। पर इसमें मान लीजिए कि यहाँ में रिफंड नहीं है, एडजस्टमेंट हुआ है, तो अलॉटमेंट में कितना पैसा ये लोग
ज्यादा दे दिया, ये सबसे बड़ा बात है। सो हम लोग सबसे पहले देखेंगे अलॉटमेंट में कितना पैसा ज्यादा मिला है। एप्लीकेशन कितना रुपया का था? 3 रुपया करके एप्लीकेशन था, सही है। 70,000 का है एप्लीकेशन हुआ, मतलब 70,000 अप्लाइड हुआ और 40,000 अलॉटेड हुआ, मतलब 30,000 शेयर अलॉट नहीं हुआ। और पर 30,000 का एप्लीकेशन मनी वो दे चुका है, तो 30,000 × 3 ₹90,000 वो दे चुका है ऑलरेडी। किसमें दे चुका है वो एक्सेस है, ये एक्सेस अमाउंट है, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए एक्सेस, ताकि जानने में सुविधा हो। रुपीस ये पैसा उसने ज्यादा दे दिया, पर मैं उसको ये रिफंड नहीं करूंगा। मैंने उसको बोल दिया भाई कोई रिफंड नहीं है, तुमको अलॉटमेंट में इसको कटवा देगा, अलॉटमेंट में 90,000 कम दे देना, कोई इशू नहीं है, पर रिटर्न मत लेना। तो ये हम लोग का बेसिक था, अभी इसको चालू करेंगे। वैसे हम लोगों ने जो पहला वाला किया था उसमें 3 कैटेगरी था, वो वाला ज्यादा टफ था, ये वाला कंपैरेटिवली इजी है। ताकि मैं खुद भी रियलाइज किया कि पहला सम इतना टफ करना आप लोगों के साथ इतना सही नहीं होगा, पर देन ऑल्सो अभी थोड़ा इजी भी कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इन द बुक्स ऑफ --- लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, चालू करते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस, क्लियरेंस है? हाँ क्लियरेंस पूरा है मेरा साइड से। चलिए पहले तो रिसीव तो पूरा कर लेंगे। रिसीव का टाइम में भाई हाँ जितना मर्जी पैसा दे दो, सब दे दो हमें, ले लेंगे हम। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, आप लोगों का सुविधा के लिए ये मैं यहाँ में कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। 70,000 × 3 210,000, सो 210,000 रुपीज हो गया। अभी इसको ट्रांसफर कराना है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने नरेशन नहीं लिखा है। नरेशन का क्या है, 4 अंग्रेजी शब्द लिख दो ना, आपको इतना अंग्रेजी आता है ना, जो चेकिंग कर रहा है उसको इतना अंग्रेजी आता है, ऐसा आप सोचो, और ताकि कॉन्फिडेंस आए और बढ़िया अंग्रेजी में लिख दो 4 शब्द, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन से कुछ बना के लिख दो, यहाँ में लिख दो ना बींग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 70,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 ईच। मैं अभी लिखूंगा छोटा छोटा करके, आप लोगों को ना दिखाई देगा ना कुछ समझ आएगा, तो कोई मतलब नहीं है ना टाइम पास करने का। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पर रुकिए खत्म नहीं हुआ है। यहाँ में वो कुछ पैसा एक्स्ट्रा दे दिया हमें, अलॉटमेंट का जो पैसा है ये हमें ज्यादा मिल गया। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, चलिए चालू करते हैं। 210,000 तो यहां में आ गया, क्योंकि इतना से डेबिट किया है, इतना से क्रेडिट किया है, तो इतना से डेबिट तो करना ही पड़ेगा, तभी तो कैंसिल होगा। पर मिलना कितना चाहिए था, 40,000 शेयर है 3 रुपया करके, तो 1,20,000 रुपया मिलना चाहिए था कायदे से, उतना तो मिल गया है, पर कुछ एक्सेस भी मिला है। हम लोगों ने यहाँ में हिसाब करके ऑलरेडी निकाल रखा है कि कितना पैसा एक्सेस मिला है, 90,000 रुपीज एक्सेस मिला है। आप चाहिए तो इस पॉइंट पे प्लस करके देख लीजिए डेबिट और क्रेडिट इक्वल है कि नहीं है। मेरा हिसाब से हम जो कर रहे हैं इसमें इक्वल है, तो फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट में। कैमरा देख लेता हूँ, सब दिखाई तो दे रहा है आपको, बाद में ऐसा ना हो कि कट गया। तो ये तो हुआ, चलिए अभी अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट का सबसे पहले ड्यू का एंट्री मार लेते हैं हम लोग। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इसमें इतना बड़ा कैलकुलेशंस नहीं है, सो मैंने कैलकुलेटर यूज नहीं किया, हाथ से ही हो जाता है, कुछ मुंह में हो जाता है ये। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कोई माइक्रोफोन वगैरह नहीं है, चीख चीख के मतलब आप लोगों को पढ़ाना पड़ रहा है मुझे लिटरली। तो 40,000 शेयर्स था, अलॉटमेंट था 4 रुपया करके, तो कायदे से 1,60,000 रुपये हमें मिलना चाहिए, हाँ कि ना, मिलना चाहिए, अभी मिलेगा, अभी बैंक
में घुसेगा पैसा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,60,000 रुपए कायदे से हमें मिलना चाहिए, पर रुकिए, किंतु परंतु है इसमें, पर हमें 90,000 रुपीस ऑलरेडी मिल चुका है। एप्लीकेशन का समय हम लोगों ने उनसे बात कर लिया था, भैया पैसा ना रिटर्न देंगे, जो मर्जी मांग लो पैसा नहीं देंगे, एडजस्ट करवा देंगे। तो 90,000 जो ले चुके वो तो नहीं मिलेगा, 1,60,000 में से 90,000 निकाल दो तो बचा कितना, 70,000 बचा। 70,000 मिलना चाहिए, मिल गया, कुछ मिल गया, ऐसा कुछ नहीं लिखा, एरियर का है ही नहीं इसमें। एरियर का सम अगर आपको चाहिए करना है, एरियर का कौन सी एडवांस कौन सी एरियर, ये सब का है सम्स मेरे पास, बड़ी एकदम क्वालिटी क्वालिटी सम्स है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दो क्या चाहिए, आपको मिल जाएगा, वीडियो बना के हम अपलोड कर देंगे, कोई इशू नहीं है। ऑनलाइन क्लास का वजह से मेरा घर में वाईफाई है, अनलिमिटेड नेट है, जो भी चाहिए मिल जाएगा आपको। ये तो चलिए हो गया, तभी फर्स्ट कॉल का ड्यू करते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखते हैं, फर्स्ट कॉल था 3 रुपया का, 40,000 शेयर 3 रुपया करके 1,20,000 रुपए कायदे से हमें मिलने चाहिए, और हमें मिले भी है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ लिखा तो नहीं है, मतलब लिखा नहीं है तो मतलब मिला है, कुछ अगर एबनॉर्मल हुआ होता तो हमें बता दिया जाता। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,20,000 रुपए हमें मिल गए। चलिए ये सम तो यहाँ मैं अच्छे से पूरा कंप्लीट हो गया, ये सम बहुत इजी था क्योंकि इसमें सीधा प्रोराटा का मतलब 70,000 अप्लाई किया है, उसमें से 40,000 को मिला है, बाकी को नहीं मिला। अभी एक ऐसा करते हैं कि इसमें दो टाइप का हो, एक में और कितना कितना ही मजा आएगा, दो करेंगे तो थोड़ा मजा भी थोड़ा ज्यादा आएगा ना। तो क्वेश्चन लिख लेता है, इशूड कैपिटल, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा अपना प्रोराटा का ऊपर, 30,000 शेयर्स। आप लोगों को फॉरफीचर का सम्स भी चाहिए तो करा देंगे, कोई इशू नहीं है, फॉरफीचर का वैसे तो बहुत इजी है, फॉरफीचर रीइशू आराम से हो जाएगा। फॉरफीचर का तो मतलब ऐसे ही अभी और बोल रहा है आप लोगों को, आप लोग मतलब ये तो ऐसे रिलेटेड नहीं है, अभी समझाने तो वाला है नहीं है, ये एक बहुत बढ़िया टेक्निक है मेरा रिमेम्बर करने के लिए, ये है CPA। अभी कोई ये मत बोल देना सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट है, पर इसमें ना फॉरफीचर का बढ़िया हो जाता है, कॉल्ड अप पेड अप एरियर, बस यही तीन आता है नॉर्मल का केस में, ये तब आता है जब इन्होंने अगर मतलब शेयर पर पे इशू हुआ है, अगर प्रीमियम पे इशू हुआ है और उसने प्रीमियम दे दिया, ये याद रखो, पैसा मिल गया भूल जाओ, अगर पैसा नहीं दिया तो याद रखो, तब इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम का आ जाता है, वो अलग बात है, वो डिस्कस कर लेंगे हम लोग, अगर चाहिए कॉमेंट सेक्शन पूरा आपका है, मैं मैक्सिमम अपना कोशिश करूंगा कि सबका कॉमेंट्स को मैं रिप्लाई करूँ खुद, आप लोग जो चाहिए बोलिए मुझे मिल जाएगा, ये मेरा तरीका है याद करने का CPA। तो बैक टू सम, इशूड कैपिटल 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, एप्लीकेशन का ₹3 होगा, अलॉटमेंट का ₹4 होगा, फर्स्ट कॉल का ₹3 होगा। चलिए सो अभी हम लोग करेंगे कि ये पहला जैसा है ना, कुछ पूरा पूरा मतलब 3, 4, 3 पूरा सेम लग रहा है, आप लोगों को उल्टा कन्फ्यूजन ना लग जाए, चेंज कर देते हैं इसको, इसको 4 कर दिया, इसको 1 कर दिया, 4, 4, 8, 8 इसको 2 कर दिया, चलिए इसका सब मैच भी हो गया, कुछ इशू नहीं है। अभी एप्लीकेशंस अभी है ट्विस्ट, एप्लीकेशंस वेयर received for 50,000 shares, अभी मजा आएगा ना बिरू, देखिए 5,000 shares were
sent letters of regret and rest was allotted on pro rata basis. Past journal entries आप लोग तो अभी तक समझ ही गए होंगे कि 5000 शेयर्स को लेटर ऑफ रिग्रेट, मतलब उन लोग को मिला ही नहीं। अप्लाई किया 5000 पर मिला 0। इसमें अभी करते हैं सम्स को, नोट्स टू सम। इसमें मैं और लिख नहीं रहा हूं कि इशूड कैपिटल लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, ये मैंने खुद बनाया, मतलब ये खुद का बनाया क्वेश्चन है और ये समराइज्ड है, मतलब पूरा पूरा, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन में तो पूरा डिस्क्रिप्टिव होता ना, पूरा लिखा रहता है। इसमें सिर्फ काम का बात लिखा है, बकवास कुछ लिखा नहीं है। जैसे हम पहला क्वेश्चन में जो कराया था वो एक मतलब था, पर बकवास नहीं बोलेंगे उसको, पर कुछ एक्स्ट्रा था कि पहले इतना इशू था, इतना मतलब ऑथोराइज्ड कैपिटल इतना है, अभी इतना इशू क्या, हम लोग को तो अभी कितना इशू क्या उससे बेसिकली मतलब है ना। तो इसमें मतलब का चीज है, सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज पे ला नहीं है हमने। तो नोट्स टू सब में लिखेंगे अप्लाइड एलोटेड, ये हम लोग का बेसिक फंडा है। सो देखते हैं, दो मतलब टोटल तो सब मिला के सबसे पहले टोटल लिख लेते हैं, बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। 50,000 अप्लाइड है, एलोटेड तो सिर्फ मिलेगा तो सिर्फ 30,000 को मिलेगा, इससे ज्यादा तो कंपनी दे से नहीं सकता बोल के फायदा नहीं है। तो 5000 शेयर होल्डर्स को, 5000 को लेटर्स ऑफ रिग्रेट भेज दिया गया, मिला ही नहीं इन लोगों को, नसीब ही खराब है बेचारे का। बाकी जो 45,000 है, 45,000 में से सिर्फ 30,000 को मिला है, पर पैसा भाई किसी को रिटर्न नहीं देना, ये बात अपना समझ लो भाई। पैसा हम सिर्फ लेता है, देता नहीं है, देता कतई नहीं है, लेना है सिर्फ हमें। तो 15,000 शेयर का ऊपर 4 रुपया करके इन लोग एक्स्ट्रा दे दिया, 15,4,2,0,6। सो ये लोग कुछ पैसा हमें ज्यादा दे दिया, तो अभी हम लोगों को हिसाब करना पड़ेगा कि कितना पैसा ज्यादा मिला है और कितना पैसा ज्यादा आया है, तो अलॉटमेंट का साथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर अलॉटमेंट का साथ एडजस्ट करने का बाद भी पैसा बच जाता है, अलॉटमेंट का साथ एडजस्ट करने के बाद अगर पैसा बच जाता है, तब हमें क्या करना पड़ेगा वो डिसाइड करेंगे। तो 15,000 × 4, तो इन लोगों ने अलॉटमेंट का लिए कायदे से 60,000 रुपया ज्यादा दे दिया, सही है, सही है। पर अभी हिसाब करके देखते हैं कि क्या होना चाहिए था और क्या हुआ है। 30,000 शेयर है, 4 रुपया करके मिलना चाहिए, 120,000 रुपये मुझे इनसे मिलना चाहिए था, 120,000 रुपये मुझे इनसे मिलना चाहिए था, पर सुनना अच्छे से मेरा बात, इन लोगों ने मुझे 60,000 रुपया ऑलरेडी दे दिया, अलॉटमेंट में 60,000 ऑलरेडी चला गया, तो अभी कितना मिलना चाहिए मुझे उन लोगों से, 60,000 आधा पैसा दे चुके ये लोग। सो जब हम लोग सम करेंगे, ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये इन लोगों ने 60,000 रुपये मुझे एडवांस दे दिया ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। इन लोगों ने कुछ बोला भी नहीं कि सर पैसा रिफंड कर दो, जब जरूरत होगा तब दे देंगे, नहीं। क्या सब इधर तक खत्म हो जाता है ये टेबिल? नहीं, एक रिफंड का भी है। आप लोग अगर अच्छे से देखोगे तो यहाँ में लिखा हुआ था कि लेटर्स ऑफ रिग्रेट, ये जो 5000 शेयर से इन लोग को लेटर्स ऑफ रिग्रेट सेंड कर दिया था, 5000 × 4, मतलब 20,000 रुपये रिफंड हो गया। उन लोगों को बोल दिया शेयर दे ही नहीं सकते भाई, कैसे, अभी पैसा तो देना पड़ेगा, तो ये 20,000 रिफंड हो गया। ये समझ में आया, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या हो क्या रहा है यहाँ में एक्चुअली में, क्योंकि ये 5000 का इसका साथ कोई रिलेशन नहीं है। इसका साथ ये 45,000 का अप्लाई किया, 30,000 मिला, 15,000 का ऊपर
4000 करके ज्यादा दिया है तो 60000 रुपए ज्यादा दे दिया, तो ये तो अलॉटमेंट का, ये एक एक्सेस अकाउंट है, ये एक लॉकर है भाई, पैसा रख दिया, सुरक्षित है आपका, जब जरूरत होगा मांगेंगे आप 60000 कम दीजिए बस। पर ये 5000 जो है इन लोगों को दिया ही नहीं, कुछ नहीं दिया भाई, बोल दिया आप लोग चलो भाई अपना रास्ता देख लो। पर इन लोगों का पैसा तो ले लिया था ना, वो रिफंड कर दिया, अभी बेसिक जर्नल मारते हैं और खत्म करते हैं। कहीं नहीं, एडजस्ट कर लेता हूं अपना कॉपी कैमरा का हिसाब से। डेट पर्टिकुलर्स आप लिख लेना ये सब इन द बुक्स ऑफ डैश 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 लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, ये तो मालूम ही होगा, प्रो राटा का सम कर रहा है आप, ये अगर नहीं लिखा तो। ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैं बोला इन द बुक्स ऑफ डैश 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 जर्नल एंट्रीज, क्योंकि ना कोई एग्जामिनर चेक भी नहीं कर सकते, उसको क्या मालूम होगा कि आप किसका बुक में मार रहा है एंट्री है, उसको तो क्लियरेंस देना पड़ेगा ना कि हाँ नहीं सर हम इन कंपनी का लिए मर रहा है, पर्टिकुलर इस कंपनी का लिए मर रहा है, तो ये वाला आप अच्छे से करना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो एप्लीकेशन रिसीव, पहले तो रिसीव का ऊपर होगा भाई, 50000 का मिला था हमको, 50000 इंटू 4 200000 रुपए हम ले चुके ऑलरेडी। उसका बाद अभी तो इसको ट्रांसफर कराना पड़ेगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 200000 तो लिख दो भाई तुम चुपचाप, इसका कोई इशू नहीं है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट में कायदे से कितना पैसा घुसना चाहिए था वो जाएगा, तो कायदे से तो हमें 130000 शेयर इशू किया है 4 रुपया करके, 120000 रुपए कायदे से घुसने चाहिए थे तो वो घुसा दिया, दिख रहा है तो यार। हाँ, टू कुछ पैसा एक्स्ट्रा भी दे दिया होगा अलॉटमेंट का, लिखा है इसलिए टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 60000 रुपए एक्स्ट्रा दिया है, घुसा दिया 60000। टू बैंक अकाउंट रिफंड भी हुआ है मेरा भाई, 20000 रुपए का रिफंड भी हुआ है, लेटर्स ऑफ रिटेट भेजा गया है इन लोगों को, अभी तो बाकी तो समझ ही गए होंगे आप लोग, तब भी इतना कर लिया है तो ये भी कर लो बेकार, और इसका लिए बेकार छोड़ के क्या फायदा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ड्यू की एंट्री है ना, ड्यू की एंट्री में कितना पैसा मिला है, कितना मिलना चाहिए वो सब है ही नहीं, सीधा डायरेक्ट मारो 30000 इंटू 4, 120000 रुपए मिलने चाहिए कायदे से। पर एक चीज याद रखना, इसमें से 60000 रुपए मिल गए हैं ऑलरेडी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 60000, अभी तो मालूम ही, अभी तो यह दोनों सब में सेम था। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 रुपया करके था आशा करता हूं, 30000 इंटू 2 60000, 60000 रुपए मिलने चाहिए इन्हें कायदे से, और मिल भी गए हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 60000, तो सम तो पूरा कंप्लीट है, कोई लफड़ा नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट का थोड़ा बहुत इशू है, वो आप बना लेना खुद का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आराम से इतना बड़ा बड़ा सम कर रहा है तो फॉर्मेट तो अभी क्या है, अभी पेन और पेंसिल और स्केल लेके सिर्फ लाइन ही तो खींचना है, बाकी सब तो है, ये वैसे राखी है दीदी ने दिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, जो जो चाहिए, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, ये तो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं है भाई, कमेंट सेक्शन में लिखो ताकि मुझे पता चले कि समझ में आ गया है आप लोगों को, वरना वीडियोस बनाना बंद भाई, आप लोगों के लिए इतने मेहनत से बनाता है पसीना में भीग भीग के चिल्ला चिल्ला के, इतना रिस्पॉन्स तो शो ही कर लो भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जो जो बोला है याद से करना सब, लाइक शेयर और सब्सक्राइब।